स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। बीती रात मनोकामना मंदिर के मैदान में संगीत में श्री राम कथा का समापन हो गया। समापन सत्र का शुभारंभ महंत विजेता एवं उनकी टीम द्वारा किया गया। मुख्य यजमान के रूप में श्री शिव गणपति सेवा मंडल उपस्थित रहा और उनके द्वारा व्यासपीठ का सम्मान किया गया। संगीत मंडली के सभी कलाकारों समेत कथा वाचक का उनके द्वारा सम्मानित समारोह आयोजित किया गया। साहिल जो कि प्रसिद्ध गायक है उनके परिवार सदस्यों द्वारा भी कथावाचक का सम्मान किया गया। बजरंग दल व विश्व हिंदू परिषद के सदस्यों द्वारा राष्ट्र एवं धर्म रक्षा का संकल्प सभी श्रद्धालुओं को दिलाया गया। तो आइए शुभारंभ की कार्रवाई देखते हैं और कथा को भी श्रवण करते हैं। तो एक बहुत बड़ी गति के महंत व्यासपीठ पर विराजमान जी संत जी का अभिवंदन अभिवादन कर रहे हैं, पर जोरदार ताली के साथ। बोलिए सनातन धर्म की जय श्री राम। आइए हमारे संत राजेंद्र जी का भी अभिनंदन स्वागत। इनकी कृपा सढ़ौरा वासियों पर लगातार 15 वर्षों से पड़ रही है और वो इस धरती को जो है कृतार्थ कर रहे हैं। बहुत बहुत अभिनंदन और दीप जलाकर भी मैं चाहूंगा कि शुभारंभ आज की कार्रवाई का किया जाए। दीप हमारे सनातन धर्म का प्रतीक प्रतीक कोई भी कार्य है, शुभ कार्य है, चाहे समापन की बात हो या शुभारंभ की बात, दीप अवश्य जलना चाहिए। तो तभी कहा जाता है कि हमारे सनातन धर्म में कहीं नहीं है कोई खुशी के मौके पर दिया बुझाया जाए, ना जन्मदिन पर ना कोई एनिवर्सरी पर। कभी भी मोमबत्ती या दिया फूक मारकर नहीं बुझाना चाहिए बल्कि जलाना चाहिए। बच्चों से जगाइए, एक नई परंपरा का फूक मार के हैप्पी बर्थडे बोलना नहीं चाहिए। तो महंत जी के शुभ आत्माओं से और उनके पूरी टीम जो यहाँ पर आई है उनका अभिनंदन शुभारंभ की कार्रवाई के द्वारा की जा रही है। मैं चाहूंगा सम्राट पंडित जी अपनी टीम के साथ एक बार आ जाएं। व्यासपीठ पर विराजमान हमारे संत जी काल माल्यार्पण करके वो अभिनंदन करें। हमारे बजरंग दल के संयोजक सम्राट पंडित जी अपनी टीम के साथ आज आए हैं। थोड़ा विलम्ब न कीजिए, समय का अभाव है। बहुत बहुत धन्यवाद महंत जी, आप आए और आज को बढ़ाया, भगवान श्री राम जी के दरबार में आप हाजिर हुए। सेशन भी आज चलेगा कुछ कथा के कुछ अंतराल के पश्चात, उसमें अभिनंदन कार्यक्रम के साथ साथ आज एक राष्ट्र और धर्म का संकल्प ऐसा आयोजन भी किया जाएगा। और निवेदन पर बजरंग दल की हमारी युवा टीम सम्राट पंडित जी हर्ष जी के नेतृत्व में हमारे बीच में आई है। जयकारे वीर बजरंगे। आइए और माल्यार्पण करके महाराज श्री जी से आशीर्वाद लें। धर्म की रक्षा का आशीर्वाद, राष्ट्र के रक्षा का आशीर्वाद हमारी टीम देगी। व्यासपीठ पर विराजमान संत जी से आशीर्वाद टीम ग्रहण करें और जिस राष्ट्र और धर्म की रक्षा के लिए आप सदैव तत्पर रहते हैं उस पर चलने का आशीर्वाद आप ग्रहण करें। हमारे महंत जी 5100 रुपए इस कथा के आयोजन के निमित्त प्रदान कर रहे हैं, उनका बहुत बहुत अभिनंदन। और कोई बात, और 2100 रुपए का सहयोग गुरु जी के चरणों में वो दे रहे हैं महंत जी, तो आप स्वीकार करें। और इधर 501 रुपए का सहयोग हमारे आसाराम पंडित जी जो त्रिवेणी नगर खेड़ा समेत श्री पंचमुखी हनुमान जी के पंडित जी हैं, पुजारी हैं, वो दे रहे हैं, तो उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ इस आयोजन के निमित्त। तो बहुत बहुत धन्यवाद महंत जी पूरी टीम का, आपने 5100 रुपए का सहयोग टीम के लिए किया, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना स्थान ग्रहण कर लें और कुछ समय के पश्चात राष्ट्र धर्म रक्षा का एक संकल्प कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित करेंगे। आप सभी अपना स्थान ग्रहण कर ले। बोलिए जय श्री राम।
जय श्री राम। सम्राट पंडित जी टीम के साथ स्थान ग्रहण कर लें ताकि कथा विधिवत रूप से आगे चलती रहे और कुछ समय के पश्चात हम लोग राष्ट्र रक्षा का और धर्म रक्षा के साथ साथ अभिनंदन कार्यक्रम में शामिल होंगे। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जी। सलाहकार हमारी केंद्रीय कमेटी के सामान्य सदस्य है, हमारी टीम आई हुई है मुख्य यजमान की भूमिका में। तो अभी साहिल जी जो कि एक उभरते हुए युवा कलाकार हैं, तो इनकी इच्छा जागृत हुई आज ही दिन में फोन करके। इन्होंने कहा कि क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ। हमने कहा बिल्कुल, भगवान जी की इच्छा है, आप ऐसा करें। एक छोटा सम्मान अपने हाथों से छोड़ा के आगे कर रहे हैं। बोलिए जय श्री राम। ये भी एक भावना है, एक बिल्डिंग से भी नीचे परिवार का बच्चा दिहाड़ी मजदूरी करके परिवार गुजर बसर करता है, और ऐसे में भगवान जी की कृपा है, एक बच्चे की भावना है और उस भावना का हमने सम्मान किया और ये सम्मान ये अपने तरफ से व्यासपीठ का कर रहा है। तो बहुत बहुत आशीर्वाद इस बच्चे को व्यासपीठ की तरफ से, और बहुत धन्यवाद कि आपके मन में इस प्रकार की भावना आई और आपने सम्मान करते हुए जितने भी हमारे वृद्ध अपने बंदे हैं अपने संगीत मंडली के सभी को सम्मानित कर रहा है कुछ ना कुछ अपने तरफ से करके। तो बहुत बहुत धन्यवाद साहिल जी, भगवान की कृपा आप पर बनी रही। उसी प्रकार से मैं निवेदन करूंगा हमारे संयोजक श्री धर्मपाल जी, अध्यक्ष नरेश बख्शी जी, गुलशन जी, देखराज जी, पार्षद श्री गोपाल जी, हमारे मोनू जी आप आगे आए, अश्विनी जी एवं मुख्य यजमान की भूमिका में हमारा शिवगण सेवा मंडल, साथ ही हमारे सहयोगी साथी विलंगल के सम्राट जी, भारत जी, सैनी साहब और की कार्रवाई है, क्योंकि जब लड़ाई शुरू होती है तो खामोशी हो जाती है, जब तूफान आना होता है तो खामोशी हो जाती है।
तो थोड़ी सी कमर सी चाहिए ना, आप लड़ाई का टाइम है, थोड़े से आप लोगों की तैयारी में हो जाओ। अब राम जी की सेना की तरफ से आप सभी हैं, एक छोटा सा ग्रुप फोटो भी ले लेना सबसे बाद में, और ऐसे ही ऊपर जाकर राजपीठ पर सम्मान कर रहे हैं। थोड़ी सी कार्रवाई में तेजी लेके आए हैं, बहुत ही अग्रेसिव भूमिका में समाज में श्री शिव गणपति सेवा मंडल रहते हैं, हमारे बहुत से साथी महिला मंडल के भी हमारे बीच में बैठे हुए हैं जो पूरा सहयोग रहता है जिनका। अभी पार्क सडोरे का पार्क भी जो है एक प्रकार से हमने गोद लिया है, सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार वहां पर भी कल से हम कार्रवाई करेंगे उसकी मेंटेनेंस का कार्य। इसके अलावा केवल पार्क आपका मनोरंजन का एक साधन नहीं होगा बल्कि और भी बहुत कुछ बातें वहां से आपको जाएंगी। समय समय पर कुछ बच्चों की प्रतियोगिताएं, ड्राइंग प्रतियोगिता, क्विज प्रतियोगिता, द वॉइस ऑफ सढोरा, सढोरे की अच्छी आवाज कौन है, द बेस्ट टैलेंट मास्टर ऑफ सढोरा, द बेस्ट डांसर, इस प्रकार से बहुत से कार्यक्रम होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। फोटो भी बीच में खुलकर साहब ले लेंगे ये सम्मान। और साथ ही अब नरेश बख्शी जी अगले सम्मान के लिए हमारी जो युवा टीम है इनके हाथों से बाकी का सम्मान करा लें। आइए सम्राट जी आगे जाकर थोड़ा सहयोग करें। सभी का सम्मान हमारे शिव गणपति सेवा मंडल बजरंग दल के संयुक्त रूप से ये किया जा रहा है। ताली बजाकर अभिनंदन चाहूंगा, ये सब आपकी तरफ से ही है, ठीक है जी, और किया है तो बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में अभिवादन धन्यवाद आभार होगा श्री नरेश बख्शी जी की तरफ से। और अब एक राष्ट्र धर्म संकल्प, क्योंकि आपने सुना कि हमारा सनातन धर्म सबसे प्राचीन धर्म, हमने किसी देश पर कब्जा नहीं किया, किसी देश को जाकर उसका धर्म परिवर्तन नहीं किया। कभी किसी ने सुना होगा कि इस धर्म से हमने किसी को हिंदू हिंदू में जबरदस्ती बनाया हो, लालच देकर बनाया हो, जबरदस्ती बनाया हो, नहीं, दूसरे में तो सुना होगा लेकिन अपना नहीं सुना। तो आज उसका संकल्प हम लोग करेंगे। हमारे युवा साथी आए हुए हैं, एक बार आ जाए फ्रंट पे और एक बार आप सभी खड़े हो जाए, कुछ बातें हाथ ऐसे करके आपने दोहरानी है। एक बार खड़े हो गए सभी, आप ही प्रथम पंक्ति में नरेश जी, राहुल जी, कृष्ण जी, आप तो प्रथम पंक्ति में आ जाए। आप जो महिलाएं हैं मैं जो बोलूंगा तो आपको पीछे बोलना है, आप दूंगी और जैसे जो हमारे पुरुष हैं वो दूंगा। मुझे सनातन धर्म पर गर्व है, मैं संकल्प लेता हूं अपने धर्म के गौरव को कभी कम नहीं होने दूंगा, अपने धर्म की रक्षा के लिए सदैव तैयार रहूंगा, अपने धर्म के अनुसार जीवन जीऊंगा। सनातन धर्म की जय, जय श्री राम। अरे वीर बजरंगे, सभी अपना स्थान ग्रहण कर सकते हैं। तो ये अपने राष्ट्र और अपने धर्म की रक्षा का संकल्प व्यासपीठ के सामने लिया है, इस संकल्प को ताउम्र अपने दिल में संजो कर आप लोग रखेंगे। और इसी कड़ी में आभार निवेदन के लिए श्री नरेश बख्शी जी से निवेदन करूंगा, आप आए और धन्यवाद करते हुए। और जैसे मैंने बताया कि धर्म जागरण केंद्र 11 मुखी हनुमान मंदिर भी अब अंतिम पड़ाव पर है, आपका एक धर्म जागरण केंद्र पार्क में बन रहा है, एक मिनट का समय सिर्फ लूंगा, फिर राष्ट्रपति जी आभार व्यक्त करेंगे। श्री 11 मुखी हनुमान अब तक किसने बनते हुए देखा है, खड़े करो जरा, जिसने ढांचा देख लिया, हनुमान जी की कृपा आप पर है, जिन्होंने हनुमान 11 मुखी हनुमान मंदिर को बनते देखा है। अच्छा मंदिर बन रहा है ना, अभी और अच्छा बनेगा, आप लोग थोड़ा सा उसमें सहयोग करेंगे। धर्म जागरण केंद्र होगा, हर मंगलवार को मेला लगा करेगा, सामूहिक हनुमान चालीसा आरती का आयोजन किया करेगा, और बहुत बढ़िया आयोजन हर मंगलवार को आपका 1 से 1.5 घंटा वहां पर लगा करेगा। और साथ ही जैसे बताया कि पार्क में हम केवल मात्र सजावट के लिए पार्क को हमने अपने उसमें नहीं लिया है, सरकार से निवेदन करके और बहुत से कार्यक्रम
यानी शाम की महफिल अब पार्क में सजा करेगी। बच्चों के बहुत अलग कार्यक्रम, लेडीज के अलग कार्यक्रम, पुरुषों के अलग से छोटे छोटे फन कार्यक्रम और मनोरंजन कार्यक्रम, कुछ देशभक्ति, कुछ संस्कारवान कार्यक्रम, यानी एक प्रकार से हम दिनचर्या में शामिल करेंगे। पार्क में जाना है और कुछ न कुछ प्रतियोगिता में हिस्सा लेना है। बच्चों के टैलेंट के दावा ही सब छोड़ोरा छोड़ोरे की सबसे अच्छी आवाज, लड़के की लड़की कौन सी, ऐसे कुछ प्रतियोगिताएं, ऐसे बेस्ट टैलेंट कौन सा है, बेस्ट ड्राइंग अच्छा कौन बना सकता है। राजकुमार जी कुछ कह रहे हैं, मैंने सच आवाज मार दी। तो ऐसे कुछ कार्यक्रम होंगे, हम छांटेंगे अपने छोड़ोरे के अंदर कैसी कैसी प्रतिभाएं हैं। अब हमें मंच मिल गया वो पार्क का, आप आएंगे और बाहर खिलेगी वहां पर, और जब धर्म जागरण के अंदर बन जाएगा तो उसके बाद कुछ और ही बढ़िया हो जाएगा। ऐसे ही 22 तारीख को श्री भगवान श्री विष्णु के छठे अवतार भगवान श्री परशुराम जी की जन्म उत्सव बहुत धूमधाम से श्री लक्ष्मीनारायण मंदिर में मनाया जा रहा है। आप ठीक 9 बजे हवन यज्ञ आरंभ हो जाएगा। हवन में आपने आहुतियां डालनी है। आहुतियां किसके लिए डालेंगे? आहुतियां इस इलाके की सुख शांति समृद्धि के लिए, आपके उज्जवल संतान के उज्जवल भविष्य के लिए, आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए। आपने प्रत्येक ने जाकर वहां पर पूर्ण आहुति, कोई पैसा नहीं चढ़ाना, आपने आहुतियां तैयार मिलेंगी, आपने आहुतियां डालनी है। ये सौभाग्य भी विष्णु के छठे अवतार भगवान श्री परशुराम जी के जन्मदिवस पर आप सबने कमाना। और उसके बाद फिर अंदर हाल में कार्यक्रम होगा, आपके लिए जलपान की बहुत बढ़िया व्यवस्था होगी और परशुराम जी के बारे में वहां पर कुछ चर्चा होगी और कुछ सम्मान कार्यक्रम भी वहां पर होगा। तो मेरा ये निवेदन है कि 22 तारीख को हम सभी वहां पर पहुंचे और जो 11 मुखी हनुमान मंदिर बन रहा है उसमें भी आप अपना सहयोग बढ़ चढ़ करें। और आभार निवेदन के लिए श्री नरेश बख्शी। बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, आभार कि आपने अपना कीमती समय यहाँ देकर और जो महाराज जी आए हुए हैं उनकी इतने ध्यानपूर्वक कथा सुनी। महाराज जी ने एक एक शब्द को इतने सरल तरीके से उदाहरण दे दे के हमारे को समझाया है और हमारा भी फर्ज बनता है कि उनकी बताए हुए इन सभी विचारों को ग्रहण करें और उन पर चलें। तो आपने सबने सुना ही है कि राम जी के इतने अच्छे चरित्र का उन्होंने वर्णन किया है, हम उतना तो नहीं धारण कर सकते लेकिन उसमें से अगर कुछ बातें भी धारण कर लें तो इनके जो यहाँ कथा करने का आने का जो प्रयास है वो सफल हो जाएगा। अभी उन्होंने एक दिन महाकवि कालिदास के बारे में बताया कि वो एक शब्द जो यूज करते थे दोबारा यूज नहीं करते थे, और उन्होंने बताया कि अपने बच्चों को पैसा देने की बजाय संस्कार दे, क्योंकि आज संस्कार की बहुत जरूरत ज़्यादा जरूरत है। दूसरा उन्होंने बताया कि अपने धर्म की रक्षा कीजिए, ये बहुत जरूरी हो गया इस टाइम। अभी शर्मा जी ने थोड़ी देर पहले भी बताया था कि हमें अपना धर्म बचाने का बहुत इस टाइम ऐसा टाइम आ गया है, माहौल बहुत खराब हो रहा है। और अभी जो शर्मा जी ने पार्क की बात की है वहाँ भी हम देख रहे थे काफ़ी दिनों से माहौल खराब चल रहा था, नशे वाले घूमते रहते थे, तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि हम इसकी जिम्मेवारी लेते हैं, आप हमें पार्क की जिम्मेवारी दें। उन्होंने विचार करके हमें पार्क की जिम्मेवारी दे दी कि आप पार्क को संभालें। तो अब हमारी जिम्मेवारी है कि हम ज़्यादा समय तो नहीं लेंगे लेकिन कोशिश करेंगे 1 महीने में आपको पार्क की रूपरेखा बदल कर दिखाएंगे। और इसमें हमारी चेयरपर्सन शालिनी शर्मा जी, उनका बहुत बड़ा योगदान है हमें वो पार्क दिलवाने के लिए, और उन्होंने हमारे पर विश्वास किया, हम उस विश्वास को पूरा कायम रखेंगे। और एक बार फिर मैं आप सभी का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ, अभिवादन करता हूँ, आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। और महाराज जी से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अब की बार जो इन्होंने सरोरा का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया था, आइंदा ऐसा ना करें क्योंकि ये तो हमारे साथ बहुत बुरा हुआ, ये हमारी तरफ से खास विनती है। और कहीं करें ना करें लेकिन सरोरा में जरूर आए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और उनसे बहुत बड़ी प्रार्थना और एक प्रकार से प्रधान जी तो निर्देश ही देते हैं, निर्देश भी दिया कि भाई उसका निर्देश और आज्ञा की पालना भी होनी चाहिए। हम तो खैर विनम्र प्रार्थना ही कर सकते हैं कि हर बार आप जरूर आएं और समय से पूरा चर्चा करके एकदम से ना गए। 2 दिन पहले ही फोन आता है कि भाई आ गई है, 10 तारीख से आप ही करता है और आज क्या तारीख हो रही है, आज 8 तारीख हो रही है शाम का टाइम है। हम लोग एकदम से भटकते हो जाते हैं कि अभी एकदम से क्या तैयारी करें, कैसे सिस्टम बढ़ाए, अपने बाहर का ही प्रोग्राम, फिर हमारे सारे प्रोग्राम कैंसिल हो जाते हैं। लेकिन आप लोगों के सहयोग से कार्यक्रम सफल रहते हैं, जैसा कैसा सहयोग इस निमित्त हम लोग करते हैं। और बात रही संस्कारों की बात करी तो वो पार्क का स्थान बच्चों को एक संस्कारवान बच्चा बनाने के लिए हम प्रयास करेंगे। हमारा बच्चा सनातन धर्म से जुड़े, हमारे वैदिक धर्म से जुड़े,
हमारे ग्रंथों से जुड़े, उसे रामायण के बारे में बताया, महाभारत के बारे में बताया जाएगा। ऐसे कुछ हमने तैयार तय कर लिए हैं कि क्या क्या ऐसे कुछ श्याम के टाइम में पार्क हैं, बच्चे जब आएंगे मात्र खेलेंगे नहीं, बच्चे गाली गलौज करते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, लेकिन नहीं, उनको बैठाकर कुछ ना कुछ अच्छी बात होंगे खेल ही खेल में, यानी वो बोर भी नहीं होंगे, कुछ उसके बदले कुछ देंगे भी उनको, खेल खिलौने के सामान भी देंगे, कुछ खाने पीने के सामान भी देंगे, ताकि बच्चे उड़ जाएं और फिर बातों बातों में वो काम सीख भी जाए, वो घर में जाके फिर उसकी चर्चा भी करेंगे। तो आप बेखौफ होकर, बस कुछ दिन के बाद जब सूचना आएगी, बेखौफ होकर आप भी आए पार्क में और बच्चों को भी भेजें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए जय श्री राम, एक बार फिर जय कारे वीर बजरंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you.